हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला यहाँ पे सिम्बाब्वे बनाम नामीबिया, जिम वर्सेस एनएएम की करेंगे हम आज ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। गेम है एट वांडरर्स एंड नो नॉट इन साउथ अफ्रीका। ये है वापस नामीबिया एंड विंडोइक, एंड विन प्रेडिक्शन इस मुकाबले के टुवर्ड जिम्बाब्वे। रिमेम्बर टू हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट जरूर करेगा। अब आप पूछेंगे कि ये विन प्रिडिक्शन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये विन प्रिडिक्शन आप यूज कर सकते हो ऑन रियल इलेवन। यहाँ पे आप अपने विन प्रिडिक्शन से ही कमा सकते हो। तो यहाँ पे नामीबिया टू विन द मैच वर्सेस जिम्बाब्वे, आप येस और नो में सिंपली जवाब देके यहाँ पे अपने ओपिनियन के बेसिस पे कमा सकते हैं। सेम फॉर द बैटिंग स्कोर। अब जैसे ये गेम शुरू होगा यहाँ पे और भी क्वेश्चन ऐड होंगे, तो जल्दी से साइन अप कर लीजिए रियल इलेवन पे। ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा रेफर कोड है वहां पे FCP विरेन, यू विल गेट सम अमेजिंग बोनस कैश टू स्टार्ट ऑफ। अब बात करते हैं हमारे रेगुलर लीग ही हम खेलेंगे इस मुकाबले में, एंड मिनी जीएल ऑनर ऐप, सारे ऐप्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जुड़ सकते हैं। रिमेम्बर टू ज्वाइन योर स्मॉल लीग्स ऑन माय मास्टर 11, क्योंकि वहां पे आप कमीशन बचाओगे ऑन एंट्री फी एंड एवरी रुपीज इंपॉर्टेंट कुछ योर्स। एक्सचेंज 22, साइन अप नाउ, क्योंकि ₹100 रियल कैश आपको मिलेगा इमीडिएटली ऑन साइन अप, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस। एंड ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। जो भी फाइनल टीम्स है, अपडेट्स है, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगी। एंड लाइक ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय मास्टर 11 पे। जैसे मैंने कहा, नो जीएसटी एंड ऑन एक्सचेंज 22 नो जीएसटी और नो टीडीएस। सो सम अमेजिंग बेनिफिट्स फॉर यू, इंश्योर दैट यू साइन अप राइट अवे। वेदर रिपोर्ट इज क्लियर फॉर दिस गेम। आगे के दिनों में कुछ बारिश की उम्मीद यहाँ पे है, और रादर उम्मीद नहीं बट फोरकास्ट है, आई होप कि ना हो, बट करेंटली यही स्टेटस है, क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम। ये वाली जो ग्राउंड है अब ये अलग है। जैसे मैंने कहा, पहली गेम वाज एट यूनाइटेड क्लब, बट ये गेम है एट अ डिफरेंट पिच। अब ये पिच कैसे बर्ताव करेगी, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच एज वी डोंट हैव टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट जो पास स्कोर्स मैंने यहाँ पे देखी है, इट्स अ गुड बैटिंग वेन्यू। मैं ज्यादा डेटा में नहीं घुसूंगा, ज्यादातर जो डेटा है काफी पुराना है, सो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग इनटू इट। तो वही है अभी के लिए, दैट एक्सपेक्ट अ बैटिंग वेन्यू एंड एक आप बैलेंस टीम बना के चलो, एज दो अच्छी टीम्स यहाँ पे इस मुकाबले में एंड काफी सारे ऑलराउंडर्स हैं। एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की बात की जाए, वी स्टार्ट विद जिम्बाब्वे, इनोसिन काय, निक वेल्च, क्रेग ओविन, वेस्ली मदेवरे, एंड देन सिकंदर राजा, रायन बर्ल, क्लाइव मदांदे, लूक योंगवे, ब्लेसिंग मुद्रबानी, वेलिंगटन मसकार्डा, एंड रिचर्ड एनग्रावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम वेस्ली मदेवरे, दैट इज फ्रॉम नंबर 4 अप टिल नंबर 11, कीपर को छोड़ के आपके पास सारे के सारे बोलिंग ऑप्शन है। सो लॉट ऑफ बोलिंग ऑप्शन हियर इन दिस टीम। एंड नामीबिया की बात की जाए, तो वापस एक सिमिलर एक्सपेक्टेशन है, एज राइट फ्रॉम नंबर 3 जेराड मर्वे एरास्मस ऑल द वे टिल नंबर 11, आपके सारे प्लेयर्स यहाँ पे बोलिंग कर सकते हैं। एंड दोनों टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, रिसेंटली एक T20 सीरीज में ये भी मिले हैं, सो रिसेंसी बायस विल बी स्ट्रॉन्ग। एंड एक बहुत ही क्रैकिंग मुकाबला यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए। अब बाद में हम डिस्कस करेंगे मैचअप्स एंड ग्रैंड लीग ऑप्शंस, पहले चलते हैं हमारी आज के बेस टीम की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं कीपिंग सेक्शन से। ये जो दोनों कीपर्स है लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, हेंस आई डोंट थिंक कि यहाँ से आपको ज्यादा बैटिंग वैल्यू मिलेगी दोनों से। इन टर्म्स ऑफ प्योर प्ले बैटिंग मुझे लगता है जेन ग्रीन थोड़े से बेटर बैटर है, बट क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग जिम्बाब्वे टू विन, आई थिंक कि उनके जो कीपर है ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसमिसल्स, एंड क्योंकि वैसे भी दोनों लो है, अभी के लिए मैं जाऊंगा विद क्लाइव। इनकेस जेन ग्रीन को प्रमोट करते हैं अप द ऑर्डर, तो मैं उनके साथ जा सकता हूँ इन दैट स्लॉट। बैटिंग की बात की जाए, तो निको डेविन यहाँ पे एक बहुत ही अटैकिंग बैटर, बट कभी कभार अपना विकेट जल्दी दे जाते हैं इन दैट हरी। ये जो सेक्शन है काफी ट्रिकी है मेरे हिसाब से, एज जो सारे प्लेयर्स हैं उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड जा रहा हूँ विद इनोसेंट काय, एज ये ऐसे टाइप के प्लेयर है जो थोड़ा मिडिल पेस पे खेलते हैं, अबाउट 120, ज्यादा फास्ट नहीं खेलते ना ज्यादा स्लो, तो आपको T20 के हिसाब से फैंटेसी वैल्यू ऐसे प्लेयर से अच्छी मिल सकती है। माइकल वैन लिंजन भी एक सिमिलर प्लेयर है। अभी के लिए मैं एक ही बैटर के साथ जा रहा हूँ, क्रेग अर्विन, ज्यादातर लोग इनके साथ ही जाएंगे एज काफी स्लो खेलते हैं, वो हिसाब से आपको फैंटेसी वैल्यू दे सकते हैं, बट हमने देखा है कि कई बार T20 में ये जल्दी उसी चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो अभी के लिए आई एम गोइंग विद इनोसेंट काय, नो रियल फॉर्म बायस और एनीथिंग टू गो विद दैट, जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट आई फील, बेस्ड ऑन जो मैंने उन्हें खेलते हुए देखा है। अब ये है सेक्शन जहां से आप ज्यादातर अपने प्लेयर्स पिक करोगे ऐसे मुकाबले में, सिकंदर राजा, शॉन विलियम्स, डेविड वीसा, जेराड मर्वे, एरास्मस, रायन बॉल, यॉन फ्राइलिंग, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? सिकंदर राजा आपको 3 से 4 ओवर, आई थिंक इनके 4 ओवर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है,
प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर इन दिस टीम, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मटेरियल स्ट्रेट डाउन। शॉन विलियम्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर, दो ओवर्स करके भी दे सकते हैं आपको इन द मिडल ओवर्स, तो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। डेविड वीसा अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर ऑफ दिस टीम, यू कैन इवन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलर इन सम ऑर्डर, क्योंकि ये सबसे एक्सपीरियंस यही है इस टीम में एंड बिग हिटिंग भी करके दे सकते हैं। जेराड मोवे एरास्मस आई थिंक एक स्टेबल बैटर है, मिडल ओवर्स में थोड़ा समय लेते हैं एट द स्टार्ट एंड फिर एक्सेलरेट भी करते हैं, ऑफ स्पिनर है तो जो जिम्बाब्वे के लेफ्ट हैंडर्स उनके सामने इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। रायन बॉल मिडल ओवर्स में खेलेंगे एंड प्लस दो से तीन ओवर्स भी आपको करके दे सकते हैं। यॉन फ्राइलिंग खेलेंगे इन द मिडल ऑर्डर प्लस डालेंगे इन द डेथ, लेफ्ट आर्म पेसर है तो बहुत ही अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। ये जे जे स्मिथ भी एक अच्छी चॉइस है यहाँ से, लेफ्ट आर्म पेसर है एंड राइट हैंड बैटर है। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, कभी कभार इनके ओवर रैंडमली कट जाते हैं, सेम फॉर वेस्ली मदेवेरे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इवन विथ नामीबिया कुछ लेफ्ट हैंडर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो माइकल वैन लिंजन है, जेन ग्रीन है तो एंड प्लस यॉन फ्राइलिंग है, तो तीन लेफ्ट हैंडर्स है यहाँ पे एंड वेस्ली मदेवेरे मे भी बोलिंग करे अगर सिकंदर आजा का एक ऑफ डे हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी के ऑलराउंडर्स बचे हैं वाइल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट द ओवर्स, वी विल ट्राई टू गो विद सम स्पेशलिस्ट बोलर्स, क्योंकि हमें पता है कि वहां से ओवर्स एटलीस्ट हमें मिल जाने चाहिए। तो विद द बोलर्स आई थिंक जिम्बाब्वे ब्लेसिंग मुजरबानी एंड रिचर्ड एनग्रावा, टू ओवर्स एट द स्टार्ट टू ओवर्स एट द डेथ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनग्रावा का फॉर्म भी काफी अच्छा रहा है, सो दे आर टॉप चॉइसेस। एंड यहाँ से लास्ट चॉइस की बात की जाए तो अगर आपको, या तो आप जा सकते हो विद एन एक्स्ट्रा ऑलराउंडर जिससे आपको बैटिंग एंड बोलिंग दोनों की वैल्यू मिल जाती है, अगर आपको स्पेशलिस्ट बोलर के साथ जाना है तो बेन शिकोंगो अगर पहले बोलिंग करते हैं तो आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ विद द ऑलराउंडर एज आई थिंक मुझे वहां से एक सेफ्टी कवर मिल जाता है। तो ये गेम पूरी तरीके से आपके ऑलराउंडर्स ही डिसाइड करेंगे, एज बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड सब के सब क्वालिटी ऑप्शंस है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टनसी फॉर मी विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद सिकंदर राजा, एंड क्योंकि जेराड मोवे एरास्मस ने काफी अच्छा फॉर्म दिखाया इन दैट सीरीज, प्लस इनके ऑफ स्पिन ओवर्स भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, मैं जाऊंगा इनके साथ एज वाइस कैप्टन। तो अभी के लिए ये लग रही है मेरी टीम, ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, बट इनमें से ज्यादातर ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो पूरे ओवर्स भी आपको करके देंगे एंड बैटिंग भी इनकी काफी वाइटल है फॉर देयर रिस्पेक्टिव टीम। सो आई थिंक वाइल आपको रिस्की लगेगा ऑन पेपर, आई थिंक ये काफी सेफ एंड येट वेरी साउंड कॉम्बिनेशन है बेस्ड ऑन द लॉजिक। अब बात करते हैं बाकी के प्लेयर्स के एंड किन्हें आप ट्राई कर सकते हो इन व्हाट सिनेरियोस। निको डेविन पहले बैटिंग करते हुए बिग हिटिंग एक बार सेट इन हो गए तो एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। क्रेग अर्विन मैं चेज में इनके साथ ज्यादा हेजिटेट करता हूं, इनका जो पेस ऑफ द गेम है काफी स्लो है, फर्स्ट बैटिंग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो एज फिर अपना समय लेकर अगर उन्होंने 20-30 मार दिया तो आपको डिसेंट फैंटेसी वैल्यू मिल सकती है। माइकल वैन लिंजन आप दोनों सिनेरियोज में कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो। निक वेल्श एक ठीक ठाक चॉइस है बट कुछ खास फॉर्म हमने देखा नहीं उनसे। ऑलराउंडर्स की बात की जाए वेस्ली मदेवेरे व्हेन बैटिंग फर्स्ट एंड बोलिंग सेकंड बिल्कुल उन्हें रोटेशन में ट्राई करूंगा। लूक योंगवे व्हाइल बोलिंग फर्स्ट, ये ऐसे बोलर है जिनके पास कुछ कटर्स है वेरिएशंस है तो वहां पे आपको वैल्यू दे सकते हैं, लोअर ऑर्डर में कुछ हिटिंग भी कर सकते हैं। बोलर्स की बात की जाए तो पिकी ऑफ फ्रांस या हेलायो फ्रांस जैसे भी इन्हें कहा जाए ऑफ स्पिनर है एंड इनका रोल अच्छा हो सकता है इन द टीम, स्पेशली अगर जिम्बाब्वे के लेफ्ट हैंडर सेट इन हो जाए। बेन शिकोंगो व्हाइल बोलिंग फर्स्ट, बेन शॉल्ट्स व्हेन बोलिंग सेकंड, एज इनकी जो बोलिंग है काफी शार्प एंड एक्यूरेट है एंड कभी कभार अंडर प्रेशर इन्हें अच्छे खासे विकेट्स मिल जाते हैं। पता नहीं कि टीम में एक किन किन को फिट करेंगे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बेस्ड ऑन द सिनेरियो। यान निको लॉफ्टी ईटन ये कुछ हिटिंग भी कर सकते हैं एंड लेग ब्रेक बोलर अच्छे खासे हैं तो बिल्कुल उन्हें रोटेशन में ट्राई किया जा सकता है। तो ये रही मेरी आज की बेस टीम, अब चलते हैं मैचअप्स की तरफ एंड फिर बात करेंगे हमारे ग्रैंड लीग लो रिस्क एंड हाई रिस्क पिक्स की तरफ। उससे पहले रिमेम्बर टू साइन अप ऑन एक्सचेंज 22, नो TDS एंड नो GST ऐप। ऑल्सो याद रखिए कि आपको मिलेगा रियल 11 पे 100% कैशबैक ऑन योर TDS, सो इंश्योर दैट यू साइन अप द राइट अवेयर। दोनों एप्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं मैचअप्स की। निक वेल्श आउट को है, बेन शिकोंगो को दो बार, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है बट टू डिसमिसल्स। जेराड मोवे एरास्मस आउट हुए हैं, रिचर्ड एनग्रावा को दो बार, स्ट्राइक रेट भी काफी खराब है सो डोंट बी सरप्राइज इफ एनग्रावा कम्स राइट ऑन। एंड वेस्ली मदेवेरे ने आउट किया है यॉन फ्राइलिंग को दो बार एंड स्ट्राइक रेट यहाँ पे काफी खराब है। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग मैचअप्स टू वॉच आउट फॉर एंड इससे आपको एक और इनकरेजमेंट मिलती है टू डेफिनेटली ट्राई मदेवेरे एंड शिकोंगो इन रोटेशन।
अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स, मैं इनफैक्ट सरप्राइज हूँ कि यॉन स्वेलिंग एक लो सिलेक्ट पिक है अब तक, क्योंकि काफी वैल्यू हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेस्ली मदेवेरे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों। हाई सिलेक्ट ड्रॉपरेस बॉम क्रेग अवेन बिकॉज ऑफ द पेस ऑफ द गेम, मैं ऐसा नहीं कहूंगा एक खराब प्लेयर है, टेक्निक वाइज एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बट T20 में जो पेस ऑफ द गेम है उससे थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। ग्रैंड लीग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस, वापस आपके जो सारे ऑलराउंडर्स है बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड शॉन विलियम्स एंड जेराड एरास्मस, बैटिंग सेकंड बॉलिंग फर्स्ट एनग्रावा एंड फ्राइलिंग, एंड इन बोथ सिनेरियोस सिकंदर राजा एंड डेविड वीसा। तो बहुत सारे चॉइसेस है आपके पास एंड इट्स द परफेक्ट गेम फॉर यू टू डू ग्रैंड लीग रोटेशंस, तो बिल्कुल वो करेगा, डोंट मिस आउट ऑन द चांस। एंड रिमेंबर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिकेट प्रो ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स। जस्ट फॉर फन प्रेडिक्ट इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है कितने रन बनाएंगे आज सिकंदर राजा। एंड रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन, जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।